रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास करके उसमें एलजी के पावरों को बढ़ाया गया, हुकूमत के आने वाली हुकूमत के पावर खत्म किए गए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह इसी टर्म में जो एनडीए की सरकार है वो नहीं रहेगी, जो ही कांग्रेस की हुकूमत आएगी पहला काम हम यहाँ कराएंगे, हम पूरे ही पावर स्टेट दे के देंगे। ये जो पावर है आप एलजी की कम ज्यादा बोल रहे हो, हम एलजी को मानते ही नहीं है, ये हमारी हिस्टोरिकल स्टेट थी, हम क्यों एलजी को माने, हम मानते ही नहीं है, हम चाहते हैं यहां स्टेट हो और स्टेट के पावर हमें वापस मिले। आपने हमसे चीटिंग करके स्टेट वापस ले ली और कहा स्टेट ले ली, हम दिल्ली और वो पांडिचेरी नहीं है, हमारी स्टेट हिस्टोरिकल स्टेट और सुपर स्पेशल स्टेट वाली स्टेट थी और हम चाहते हैं स्टेट हमको वापस मिले और जो आतंकवादी घटनाएं यहां होती है सरकार उन पर रोक लगाए, ये किसी और पे तोहमत ना लगाए। आपका सिक्योरिटी सिस्टम फेल है, आप पूरे पार्लियामेंट में आपने डांस किया कि हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, 2021 से लेकर 24 तक 3 सालों में 48 के करीब हमारे जवान शहीद हुए। हम चाहते हैं सरकार हालात सुधारे, उसी पे हमारा प्रोटेस्ट था, एक स्टेट को लेके था और एक आतंकवादी घटनाओं को लेके। मैं चैलेंज देता हूं अगर 10 सीटें भी बीजेपी क्रॉस करेगी जम्मू, इन्होंने अपने पावर्स का मिसयूज किया। अगर इनको यूटी बनाना था जाके गुजरात को बनाए ना, जाके किसी और स्टेट को बनाए, हमारी स्टेट को क्यों यूटी बनाए और कहा कि हम हालात सुधारेंगे फिर स्टेट वापस देंगे। कौन से हालात सुधारे हमें 5 साल, कोई हालात नहीं सुधारे। रही बात कांग्रेस की, जो ही हम, मैं ये कह रहा हूं जो ही कांग्रेस पावर में आएगी सेंटर में, अगर आई होती परसों तो हफ्ते के अंदर यहां स्टेट मिली होती, महीने की बात ही नहीं। हमारी सरकार प्रो पब्लिक सरकार होगी जो लोगों को हर चीज में राहत देगी। तो लिहाजा ये सारे इश्यूज हैं, इस पे हमारी जो है गारंटी कार्ड भी बनेगा, मैनिफेस्टो भी बनेगा और वो मैनिफेस्टो जो है पब्लिक में आएगा और जो ही हमारी सरकार बनेगी हम उस गारंटी को और उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करें। देखो आतंकवादी चाहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा ही सस्पेंड रहे, लोगों की सरकार ना हो। बहुत सारे आतंकवादी घटनाएं पहले भी हुई, 96 में हालात खराब थी, 2002 में हालात खराब थी, उसके बाद भी घटनाएं हुई, इलेक्शन कैसे हुए। हाँ अगर बीजेपी को बहाना जरूरत होगा तो वो यही बहाना बना के इलेक्शन को डफर करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं इलेक्शन हो और उन लोगों के उनको करारा जवाब मिले जो चाहते हैं यहाँ इलेक्शन ना हो। मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है और उस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इलेक्शन यहाँ होना चाहिए। पीएजीटी का हिस्सा न थी न रही कभी ना है, याद रखना मेरी बात। मैं कह रहा हूं इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और पीडीपी भी है। अभी तक जम्मू कश्मीर स्टेट के इलेक्शन के लिए इंडिया अलायंस की कोई ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं, जो ही ऐसा कुछ होगा हम आपके पास प्रपोजल रखेंगे। अलायंस है कि नहीं है वो हम बाद में बात करेंगे।